नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे कार्यक्रम शिक्षा में सुनिवेश नवाचार ZIII के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड की हिंदी पाठ पुस्तक कक्षा 5 से पाठ क्रमांक 5 ईदगाह पाठ को लेके आए हैं। ईद एक बहुत अच्छा त्यौहार है मुस्लिम का। हम सभी भारतीय उसको बहुत मिलजुल कर मनाते हैं। लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, मिठाइयां खिलाते हैं। बहुत ही खुशी का त्यौहार है। तो इस पाठ को आपने कल बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है और आज आप चाहते हैं कि बच्चों का थोड़ा पुनः अध्ययन हो जाए। और साथ ही ये भी है कि आज आप इस पाठ का अंग का उनको जो पढ़ाने वाले हैं ना, उनको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में है, इसलिए पिछले कॉन्सेप्ट को उनको याद कराना या उनका पुनः अध्ययन कराना बहुत आवश्यक है। इसके लिए ये भी है कि आप जो बच्चों का अटेंडेंस लगाते हैं, फिर उसके बाद उनको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, फिर थोड़ा रिविजन भी पूछेंगे, फिर इससे पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, लिखाएंगे और उसके बाद उनको अंग का पढ़ाएंगे और क्लास खत्म। जब बच्चों को आप यहाँ पर अटेंडेंस लगाते हो तो बच्चा यहाँ पे क्या होता है, आपने रोल नंबर अनुक्रमा किया, फिर नाम बोला, तो बच्चा खड़ा हुआ, उसने यस सर यस मैम बोल के और अपनी जगह पे बैठ गया। यहाँ पे बच्चा को कुछ नया सीखा कुछ नहीं, बच्चे ने कुछ नया नहीं सीखा, लेकिन बच्चे एकदम निरस्ता से भी बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर कोई ऊर्जा नहीं होती, कोई रोचकता नहीं होती, क्योंकि वो एक जैसा काम है जो पढ़ी कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि बच्चों का पुनः अध्ययन भी हो जाएगा, बच्चों के अंदर रोमांच भी आ जाएगा, उत्साह भी आ जाएगा, नई ऊर्जा का संचार भी हो जाएगा और बच्चों की उपस्थिति भी दर्ज हो जाएगी, तो कितना अच्छा। तो हम यहाँ पर एक नवाचार की बात कर रहे हैं जो हमारे नवाचार का नाम है थीम आधारित उपस्थिति। थीम आधारित उपस्थिति बहुत ही रोचक नवाचार है, बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार और विकास करते हैं। अगर इस नवाचार की नवीनता की हम बात करें तो विद्यार्थी अपने पूर्व में पढ़े हुए पाठ से संबंधित कोई एक शब्द, एक संख्या, एक वाक्य बोलकर अपने पाठ का पुनः अध्ययन आसानी से करते हैं। कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रखा जाता है, साथ ही पुनः अध्ययन करने के लिए नवाचार बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इस नवाचार में 20 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है, बाकी बच्चे आपकी संख्या पर भी डिपेंड करता है, लेकिन 20 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है। थीम आधारित उपस्थिति नवाचार में मेरे बच्चों को कुछ निर्देश भी दिए जाते हैं कि बच्चों आपको जब भी उत्तर देना है खड़े होकर उत्तर देना है और विनम्रतापूर्वक उत्तर देना है, इससे बच्चों के अंदर विनम्रता का गुण विकसित होता है, साथ ही बच्चों में अनुशासन आता है। हर बच्चे की बारी आए ऐसा शिक्षक सुनिश्चित करें, और हाँ किसी बच्चे को उत्तर देने में समस्या है तो शिक्षक उनकी मदद करते हैं, ये मदद कर सकते हैं। थीम आधारित उपस्थिति नवाचार क्रियान्वयन में हम चलते हैं। तो इसमें बस बच्चों को यह बताना है कि बच्चों कल हमने पाठ पढ़ा था ईद का और आज हम इस पाठ का थोड़ा पुनः अध्ययन करेंगे और एक गतिविधि के माध्यम से, क्या आप लोग तैयार हैं? और हम यहाँ पर जब आपकी उपस्थिति लगाते हैं तो आप खड़े होकर यस सर यस मैम बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं, तो आपको यहाँ पर आज कुछ नहीं बोलना है। इसकी जगह पे हम आपको कल के पाठ से संबंधित कोई थीम देंगे और उस थीम के आधार पर आपको उत्तर देके अपनी जगह पे बैठ जाना है। तो आपके कल के पाठ का पुनः अध्ययन हो जाएगा। कल के पाठ का समझ में आया तो आपको कल के पाठ का पुनः अध्ययन हो जाएगा। अच्छा, आपने यहाँ पे बच्चों को ये भी बताया था कल के पाठ में कि क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, तुकान सब, पर्यायवाची, अनेकार्थी सब, समानार्थी सब, ये शब्द भी आपने बच्चों को बताने का प्रयास किया। इन सब के बारे में बच्चों को बताने का आपको आपने प्रयास किया। अब ईदगाह पाठ से बच्चों को थीम दी जाती है कि बच्चों आपको पाठ से जुड़े हुए संज्ञा शब्द बताने हैं, यानी पाठ में जो भी संज्ञा शब्द आए हैं उनको आप कोई भी एक संज्ञा शब्द को आप बताकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, यानी कोई भी एक संज्ञा शब्द बता के आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, तो है ना रोचक? तो बच्चे उत्साहित हो जाते हैं, हाँ सर। तो चलिए अब रोल नंबर बोलते हैं। रोल नंबर एक अनुक्रमांक बोला जाता है, अनुक्रमांक एक। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, राम। राम ने खड़े होते हुए बोला ईद। यहाँ पर हर बच्चा पाठ से जुड़ा हुआ संज्ञा शब्द बोलता है। अगर किसी बच्चे को उत्तर देने में समस्या है तो शिक्षक उनकी मदद करते हैं। इससे क्या होता है कि हर बच्चे का तो पुनः अध्ययन हो ही रहा है, साथ ही और बच्चे भी सुन रहे हैं तो उनका भी पुनः अध्ययन हो रहा है और पूरी क्लास का भी पुनः अध्ययन हो रहा है और उपस्थिति भी दर्ज हो रही है। बच्चों के अंदर रोमांच भी आ रहा है, उत्साह भी आ रहा है और गतिविधि में शामिल होकर बच्चे अपने आप को ऊर्जावान भी महसूस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि थीम आधारित उपस्थिति नवाचार के माध्यम से महाराष्ट्र बोर्ड की हिंदी पाठ पुस्तक कक्षा 5 से पाठ क्रमांक 5 ईदगाह पाठ का पुनः अध्ययन हमने थीम आधारित उपस्थिति नवाचार के माध्यम से आसानी से किया। तो ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIII के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो ZIII के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप अपने बेटे पाठशाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत